हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्शी। वेलकम टू अवर क्लास टीचिंग एक्सपर्ट 0217। इट इज़ आवर कोड, सो डोंट फॉरगेट दिस। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मोमेंट्स बुक का सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो पूरा देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि दादाजी जो है वो टोटो को अपने साथ देहरादून लेकर जाते हैं पेंसिल लेने के लिए सहारनपुर में। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. अब यहाँ पे author बोल रहे हैं कि unfortunately मैं अपने दादाजी के साथ वहाँ नहीं जा सका, but बाद में उनके दादाजी ने उन्हें सारी story सुनाई कि वहाँ क्या क्या हुआ था। A big black canvas kit bag was provided for Toto. अब एक ब्लैक कलर का कैनवस बैग था जो कैनवस से बना था, उसमें टोटो को रख दिया गया। This with some straw at the bottom became his new abode. अब यहाँ पे हम लोग abode का मीनिंग समझेंगे। abode का मतलब क्या होता है? होम। तो अब ये जो बैग था कैनवस का, अब ये टोटो का नया घर बन गया था। When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब बैग में नीचे कुछ घास फूस बिछा दी गई थी और उसके ऊपर टोटो को रख दिया गया था। ये बैग कुछ दिनों के लिए टोटो का नया घर बन चुका था। जब दादाजी ने बैग की जिप बंद कर दी तो टोटो उस बैग से भाग नहीं सकता था क्योंकि वो उसमें बंद था। अब जिप बंद कर देते हैं तो देखते हैं हम लोग कि थोड़ा सा बैग खुला रह जाता है, तो वहाँ से भी टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि बैग जो था वो कैनवस मटेरियल का बना था जो बहुत स्ट्रांग था, जिससे टोटो वहाँ से भाग नहीं सके। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब दादाजी ने टोटो को बैग में बंद करके रखा था, बट टोटो पूरी कोशिश कर रहा था उस बैग से बाहर निकलने की, जिसकी वजह से बैग रोल करने लगता था फ्लोर पर। और जब ये बैग दादाजी के कंधे पर हैंग हो रहा था तो लगता था कि जैसे बैग उछल रहा था। अब इस चीज़ को देखकर प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग थे वह दादाजी को घूरने लगे थे। सब जानना चाहते थे कि आखिर इस बैग में है क्या। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब टोटो जो है सहारनपुर तक दादाजी के साथ ऐसा ही रहा, बट जैसे ही टर्नस्टाइल का मतलब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, टर्नस्टाइल ऐसी मशीन जो एक बार में एक ही इंसान को क्रॉस करने देती है, दैट इज़ कॉल्ड टर्नस्टाइल। ये आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में या एयरपोर्ट में। अब यहाँ पे देखें कि जब दादाजी टिकट निकाल रहे थे तो इस टर्नस्टाइल में इंटर करने के लिए तो सडनली जो है वो पॉक, मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे पॉक मतलब क्या होता है, पॉक मतलब होता है बाहर निकलना। तो सडनली जो है अचानक से अपने सिर टोटो बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को देखकर वो बड़ी सी स्माइल उसने दी। यहाँ पे हम लोग ग्रीन का मतलब समझेंगे, ग्रीन मतलब होता है स्माइल। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे पुअर मैन यहाँ पे कौन है, ये जो है वो टिकट कलेक्टर जो टिकट जो दे रहा है उसे को यहाँ पे पुअर मैन बताया जा रहा है। और ये जो टेकन अबैक मतलब क्या होता है, शॉक्ड। और अनोयंस मतलब क्या होता है, टू एंगर समवन। तो अब टिकट कलेक्टर जो है
वो जब उसने देखा तो उसने क्या बोला कि उसने दादाजी को बोला कि सर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है वो एक डॉग है, तो इसके लिए जो है आपको पे करना होगा, इसका भी फेयर आपको देना होगा। तो ये सुनकर जो है दादाजी क्या हो जाते हैं, अनॉइंस मतलब क्या होता है, टू एंगर समवन, तो ये सुनकर दादाजी क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रोप्ट। अब यहाँ पे हम लोग वेन का मीनिंग समझेंगे कि वेन का मतलब क्या होता है, वेस्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, मतलब ऐसा अटेम्प्ट, ऐसी कोशिश जो वेस्ट चला जाए। और क्यू ड्राफ्ट मतलब यहाँ पे क्या होता है, चार पैरों वाले एनिमल। तो दादाजी जो है वो टिकट कलेक्टर को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये डॉग नहीं है, वो ये भी बोल रहे थे कि डॉग और मंकी में क्या होता है, फर्क होता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाई टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंड ओवर ओवर हिज फेयर। अब लेकिन जो टिकट कलेक्टर था वो दादाजी की बातों से कन्विंस नहीं हुआ और उसको सॉरी कन्विंस नहीं हुआ और उसने क्या बोला दादाजी को कि आपको इसके फेयर देने होंगे। तो उसने कहा कि आपको इस टोटो के लिए 3 रुपीज़ का फेयर लगेगा। देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेड टॉयज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टू गेट हिज ओन बैग मतलब क्या होता है, टू टेक रिवेंज। अब दादाजी है जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि टोटो को उसने क्या बना दिया था, डॉग, क्योंकि वो मंकी था लेकिन उसने उसने डॉग बना दिया था। तो अब वो बदला लेने के लिए क्या किए, वो अपने पॉकेट से टॉर्टोइज निकाले क्योंकि वो टॉर्टोइज जो है वो उसके साथ ही था, निकाले और उसने टिकट कलेक्टर को बोला कि अब इसका क्या चार्ज देना होगा, कि क्या सारे एनिमल्स का आप चार्ज लेते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज, प्रोडेड इट विथ हिज फोर फिंगर, गेव ग्रैंड फादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फेड लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। अब यहाँ पे क्या देख रहा है कि टिकट कलेक्टर जो है वो टॉर्टोइज को क्लोजली उसने देखा, उसके बाद फिर उस अपने फिंगर से उसको छुआ, उसके बाद वो स्माइल करके बोला कि नहीं नहीं इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, डॉग नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टिकट कलेक्टर और दादाजी का कॉन्वर्सेशन। वेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड फादर एक्स ग्रैंड मदर ही वॉज गिवेन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि ग्रैंड मदर को टोटो के प्रेजेंस के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब उसको पता चल जाता है। तो वो टोटो को जो है वो कहाँ रखती है, स्टेबल। स्टेबल देखते हैं कि घोड़े जहाँ रहते हैं स्टेबल में, तो वहाँ पे वो सोचती है कि वो टोटो को वहाँ पे रखेगी और फैमिली डंकी जिसका नाम क्या रहता है, नाना। तो अब उसकी नानी ने डिसाइड किया था कि वो टोटो जो है उसके साथ रहेगा। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल। अब क्योंकि टोटो का स्टेबल में फर्स्ट नाइट था तो ग्रैंड फादर जो है वो टोटो को देखने के लिए वहाँ गए कि क्या वो कम्फर्टेबल है वहाँ पे। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट काउज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। यहाँ पे हेल्टर का मतलब हम लोग समझेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग हेल्टर, हेल्टर मतलब क्या होता है, एनिमल के गले में जो रस्सी होती है हम लोग देखे होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं हेल्टर। और हे का मतलब क्या होता है, हे का मतलब होता है सूखी घास। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, दादाजी ने देखा कि नाना जो है वो क्या है, रेस्टलेस थी और नाना अपनी रस्सी को खींच रही थी और कोशिश कर रही थी कि हे का बंडल उससे दूर रहे, सॉरी। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जग बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. अब यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि
ग्रैंडफादर ने यहाँ पे क्या देखेंगे, हॉन्चेस। हॉन्चेस का मतलब क्या होता है, बैक। तो ग्रैंडफादर ने नाना के बैक में थप्पड़ मारा मारा और पीछे की तरफ देकर झटका देकर क्या कर रही थी, वो हिल रही थी और साथ टोटो भी खींचा चला आ रहा था। टोटो ने नाना के कान पकड़ कर रखे थे, उसे बाइट कर रहा था, इसलिए नाना रेस्टलेस थी। तो इसीलिए जो है नाना क्या थी, रेस्टलेस थी। तो अब बाद में फिर क्या हुआ, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। अब बाद में टोटो और नाना जो है वो कभी फ्रेंड्स नहीं बने। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। टेक केयर, थैंक यू।